मैं इस बार कोशिश की हूँ कुछ नया और ऑफबीट प्लेस विजिट करने के लिए। समुंदर तो हम सभी घूमने जाते हैं, मगर समुंदर में रहने वाले कछुआ, जिसको ऑलिव रिडले टार्टेल के नाम से जाना जाता है, ये एक लुप्तप्राय जानवर है। इस जानवर के लाइफ स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए हमने ये विलास बीच का प्लान किए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज से हमारा विलास बीच का सीरीज शुरू हो रहा है। इस विलास बीच के साथ साथ हम आपको और भी बीच घूमने लेके जाएंगे। सारी बीच एक दूसरे से डिफरेंट है, जैसे आरवी बीच का वाइट सैंड हो या हरिहरेश्वर का गणेश गली, और साथ में एक मंत्र मुग्ध करने वाला डेकोरेशन जो हमें देखने को मिलेगा श्रीवर्धन बीच में। मैंने पहले भी बहुत बार आई हूँ, बट आप लोगों के साथ ये मेरा पहली बार है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को सारे ऑफबीट प्लेस का व्यू दिखाने के लिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल सोनालीस कैनवास। आज हम लोग वापस निकल पड़े हैं घूमने। आज जा रहे हैं बीच में, पीछे आप लोगों को दिख रहा है, ये है सावित्री रिवर। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे विलास बीच। बहुत लोग शायद विलास बीच का नाम उतना नहीं सुना है। जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए ये बीच बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे टर्टल फेस्टिवल होता है हर साल 2 महीने के लिए, फेब्रुआरी से अप्रैल तक। तो अभी अप्रैल महीने में हम लोग आए हैं, गर्मी है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, मगर बीच साइड में उतना गर्मी भी नहीं लगता है। और जो फेस्टिवल के हैचिंग टाइम होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग में होता है, तो इसलिए हम लोग वो सोच के आए हैं। अभी 10:30 ही हुआ है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। ये सब ऐसे देखिए गाड़ी क्यू पे है, अभी इसको क्रॉस करना पड़ेगा हमें, तो गाड़ी के साथ ही हम उस साइड क्रॉस करेंगे। फिर उस साइड में हम लोग के विलास बीच है। इधर 8 से 10 गाड़ी की कैपेसिटी है और कार के लिए चार्जेस है ₹200। भी गाड़ी अंदर आ चुकी है, अभी हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट भी है, चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। विलास रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का एक आखिरी छोटा सा गांव है। यहाँ के लोगों को अपनी जरूरत के सामान लाने के लिए इस फेरी के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। फेरी घाट से हमारे होम स्टे का डिस्टेंस है अराउंड 15 मिनट्स। रास्ते पे दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ रत्नागिरी का फेमस मैंगो का ही बगीचा है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब इधर कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिला था। शुक्र है इस बार एटलीस्ट जियो का कनेक्शन हमें मिल रहा है। अभी के लाइफ बिना इंटरनेट का जैसे अधूरा ही लगता है। रोड व्यू इधर का बहुत ही सुंदर है, इतनी शांति है इधर, पंछी की हर एक सुरेली आवाज़ भी कानों तक पहुंच रहा है। शहर की शोर शराबा से बहुत दूर हम आज आ गए हैं विलास गांव में। दूर से समुंदर के आवाज़ भी सुनाई दे रहे हैं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं हमारा जो होम स्टे बुक किया हुआ था रिडले नाम का।
यहाँ पे आसपास जितने भी घर है वहाँ पे होम स्टे का सुविधा है, यहाँ पे एक भी होटल नहीं है। इन लोगों से हमें पता चला है कि यहाँ पे गांव वाले ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे कोई होटल नहीं बनेगा। हम लोगों ने जो बुक किया है वो एसी रूम का चार्जेस है 2500 और नॉन एसी का 2000। इसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है, फूड का जो है वो अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ पे वेज थाली, फिश थाली, चिकन थाली का सब अलग अलग से प्राइजेस है। मेरे पीछे एक जैकफ्रूट का प्लांट है, इवन यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन ही कहेंगे हम इसे, लाइक मशरूम्स है एंड अदर प्लांट्स। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, आई लव दिस व्यू, लाइक वी हैवन पब्लिक वॉशरूम नथिंग। और लाइक हाँ गाइस, और अभी मम्मी से जाके पूछ लेते हैं हमने क्या ऑर्डर किया, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी है। अभी हमने क्या ऑर्डर किया है खाने के लिए? लंच के लिए हम लोगों ने चिकन थाली ऑर्डर किए हैं। रात को भकरी खाने का मन है। यहाँ पे होम स्टे लिया है ना हम लोगों ने, तीन लोगों का जो घर घुटी खाना बोलते हैं वो बहुत टेस्टी बनता है, तो इसलिए हम इस बार कहीं बाहर नहीं जाएंगे खाने के लिए, इन लोगों का बना हुआ खाना ही खाएंगे। तो चलिए पहले इन लोगों का गार्डन थोड़ा घूम के देख लेते हैं। कैसे लग रहा है होम स्टे? बहुत ही अच्छे हैं। खाना क्या क्या ऑर्डर किया? अभी तक तो चिकन थाली ऑर्डर किया हूँ, देखते हैं खाना कैसे आता है उसको बात बताते हैं। ठीक है। मैं तो रात में, हम लोग 4 बजे निकले थे तो हमें अच्छा ही लगा रोड व्यू एंड ऑल, मुझे तो आई लव इट। व्हाट डू यू थिंक? आई लव टू, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस द हिल्स एंड सॉ द सी आउट सी बिसाइड्स दैट। It was a pleasant experience, and moreover, when you just get down from the car and enjoy the first morning of it, it's really awesome to experience. I enjoyed it. Another breakfast. हम लोगों का लंच आ गया है। लंच पे हम लोगों ने चिकन थाली ऑर्डर किए थे, तो उसमें पहले हम लोगों को भाकड़ी, एक सूखा चिकन, एक ग्रेवी वाला चिकन, एक पापड़, सोल करी और सैलड में अनियन और लेमन दिया गया है। और थोड़ी देर में इसके साथ राइस भी आएगा, क्योंकि ये लोगों के थाली में भाकड़ी या चपाती और साथ में राइस भी आता है। और इसका प्राइस है 300 रुपीज एक थाली का, और यहाँ पे वेज थाली भी अवेलेबल है, उसका प्राइस है 200 रुपीज। इन लोगों के एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, नॉर्मली अगर जब थाली के साथ सब्जी रिपीट करते हैं तो वो लोग स्पेशली ग्रेवी देते हैं, मगर यहाँ पे हम लोगों को 2-3 बार उन्होंने चिकन भी रिपीट किया है। अभी 5 o'clock टाइम हुआ है, हम लोग अभी जा रहे हैं बीच के तरफ, क्योंकि हैचिंग का टाइम 6 o'clock है। यहाँ से 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर हम बाई कार जा पाएंगे, उसके बाद का जो 1 किलोमीटर है वो हमें वॉक करके जाना पड़ेगा, वहाँ पे कार नहीं जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। 5 बजे 5:30 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ का माहौल थोड़ा देखेंगे कैसा है क्या है, देखते हम लोगों का लक फेवर होता है कि नहीं। लास्ट ईयर जब हम लोग टरोबा गए थे ये सोच के कि टाइगर दिखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो भी लक के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ जाके पता चला कि एक एक फैमिली 2-3 सफारी बुक किए थे, बट हम लोग सिर्फ एक ही सफारी लिए थे, क्योंकि देवजीत का ऑफिस पे उस टाइम छुट्टी नहीं मिला था, मगर एक सफारी में हमें 5-5 टाइगर देखने को मौका मिला। तो आज चलिए देखते हैं कि वो लग वापस से फेवर होता है कि नहीं, आज हमें हैचिंग देखने को मिलता है कि नहीं। कल हमें वापस एक बार टाइम मिलेगा, अगर आज नहीं होता है तो हम पॉजिटिवली सोच के आएंगे कल तो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले चलते हैं बीच के तरफ। ये स्पॉट पे सारी गाड़ियाँ ऐसे क्यू में खड़ी हुई है, यहाँ से 1 किलोमीटर हमें वॉक करके जाना पड़ेगा अभी अंदर। बैकवाटर इस साइड में बैकवाटर भी है विथ मैंग्रोव, सही बोली है, अच्छा लग रहा है। मैंग्रोव दिख रहा है क्या उस साइड वाला? वेरी एक्साइटेड। और हम लोग पास आ गए हैं टर्टल फेस्टिवल के, एंड यहाँ पर किसने ये भी बोला है कि साइलेंस इज अ गिफ्ट फॉर देयर बर्थडे, मीन्स टर्टल्स बर्थडे। तो हमें यहाँ पे शोर नहीं मचाना है, हमें शांति से
দেখে তো এই জায়গাটা দেখো মানে সারি क्योंकि आज फ्राइडे है इसलिए लोग भी इधर बहुत ही कम है। सैटरडे संडे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती है। इस जगह पे ही हमें हैचिंग देखने का मौका मिलेगा। सह्याद्री निसर्ग मित्र गांव वालों से मिलकर 2006 में फास्ट टर्टल फेस्टिवल शुरू किए थे जिसमें मिस्टर मोहन उपाध्याय का एक बड़ा सा योगदान था। वेलास बीच पे ये टर्टल आते हैं अंडे देने। एक टर्टल मिनिमम 80-150 तक अंडे देते हैं। उसी अंडे को गांव वाले लेके आते हैं और ये जो कवर्ड एरिया है इधर एग्स को कंजर्व करके रखते हैं तब तक जब तक वो अंडे से बेबी टर्टल निकल ना आए। और पहले यही गांव वाले एग्स को खा लेते थे या सेल कर देते थे। अभी हैचिंग दिखाने का टाइम भी हो गया है और देखिए बहुत सारे लोग भी आ गए हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं तो चलिए देखते हैं। बास्केट चेक करेंगे, अगर अंदर हैचलिंग है तो पानी से करीब उसको 20 या 25 मीटर दूरी पर हम रिलीज करेंगे। वहाँ पे हम बैरिकेड नहीं लगाते हैं क्योंकि लोग कम है। वहाँ पे लाइन खींचेंगे, लाइन के बाहर आपको खड़ा रहने का है। हैचलिंग पानी में जाने के बाद आधा घंटे तक कोई पानी में नहीं जाएगा क्योंकि लहरों के साथ अपने पैर के नीचे हैचलिंग आ सकता है। और सब लोग कैमरा मोबाइल के कैच ऑफ रखने का, समझ गए सबको? और 7:30 बजे मोहन उपाध्याय इनके घर पे डॉक्यूमेंट्री है। सब लोग स्टे के लिए है, डॉक्यूमेंट्री देखना जरूरी है। जो लोग हम काम करते तो सब मालूम पड़ेगा आपको क्यों काम करते हैं, तो करना क्यों जरूरी है। हैचिंग भी लग के ऊपर रहता है, आप बोलेंगे आगे दिखना ऐसा नहीं रहता। हम टाड़ों में जाते हैं, टाइगर दिखता है नहीं दिखता है ऐसा रहता है, लग के ऊपर रहते हैं। अभी शाम के टाइम का जो हैचलिंग था वो हमने जाके विजिट किया बट बैड लक, एक भी हमें देखने का मौका नहीं मिला। बट कल सुबह हमें वापस टाइम मिलेगा आने के लिए तो हम कल वापस आएंगे। तो यहाँ पे जो लोग गार्ड रहते हैं वो भैया लोग बोल रहे थे कि उनको वो जो सैंड है वो देख के इंडिकेशन मिलता है कि अभी टाइमिंग हो गया है लगभग एक दो दिन में वो बाहर आने का। तो लास्ट 2-3 दिन से तो वो लोग बाहर नहीं आए, तो लक हो सकता है कि कल सुबह हमें देखने का मौका मिले। तो कल सुबह हम वापस आएंगे, आप लोगों के साथ आएंगे, हम भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। इतना पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं, देखते हैं लक कितना फेवर करता है कि नहीं। तो अभी हम लोग चलिए थोड़ा बीच पे घूम के आते हैं। व्यू बहुत अच्छा है और क्योंकि ये फेस्टिवल के बारे में अभी तक उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसीलिए बहुत कम लोग ही आते हैं इस जगह पे। और इसीलिए देखिए पूरा ऐसे व्यू बहुत खाली है, बहुत ही कम लोग हैं। मतलब जो लोगों को थोड़ा ऐसे खाली जगह पसंद है, खाली बीचेस पसंद है और थोड़ा ऑफ बीट जगह भी अच्छा लगता है उनके लिए तो ये जगह एकदम एक्सेलेंट प्लेस है। तो जो जिसको लगता है कि बीचेस जाना है मगर थोड़ा शांति चाहिए ऐसे वाले बीच, तो वो लोग विज़िट कर सकते हो। पूरा साल भर ही आप विज़िट कर सकते हो। विंटर में एक अलग वेदर का मज़ा आएगा, बारिश में एक अलग मज़ा आएगा। हाँ, गर्मी में हम सोचते हैं कि बीच में गर्मी में जाएंगे मगर उसके लिए भी जो एनिमल लवर्स है स्पेशली, तो टर्टल ने हमें वो मौका दिया है कि गर्मी है तो क्या हुआ, उसके लिए भी हमें एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगा। तो हम इसलिए गर्मी में भी आ गए। हर बार हम लोग इतने बार यहाँ बीच पे आए हैं, तो कभी दिसंबर में आए हैं, कभी जून जुलाई बारिश में आए हैं, मगर ये पहली बार है जो इतने गर्मी में आए हैं, वो भी सिर्फ टर्टल के लिए कि हमें हैचलिंग देखना है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है जो नॉर्मली हमें नहीं मिलता है। यहाँ के लोग बहुत कोशिश करके वो जो टर्टल आके एग्स देते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो बाहर के एनिमल्स ऐसे डॉग जैकेट ये सब आते रहते हैं तो वो पहले ख़राब कर देते थे, तो उससे ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बारे में थोड़ा स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में और भी बताऊँगी। यहाँ से जाने के बाद हमें एक डॉक्यूमेंट्री देखने का मौका मिलेगा, तो मैं वहाँ जाके शायद और भी स्टोरी पता करूँगी या सुनूँगी, जानूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी कुछ कुछ चीज़ जो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। तो ये सब अलग अलग स्टोरी सुनने के लिए भी एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है।
तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं और क्या क्या मौका मिलता है यहाँ पे देखने को। अभी तो सिर्फ बीचेस का मजा लेना है, समुंदर में आए हैं तो बीचेस का मजा तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा बीच पे चलते हैं। ये देखिए बीच पे कितना सुंदर एक प्लांट्स हमें मुझे देखने को मिला। पता नहीं ये कौन सा प्लांट्स है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सैंड के ऊपर पानी ज़्यादा आ जाता है तो पानी तो यहाँ पे भर ही जाता होगा। थोड़ा सपलिन टाइप का लग रहा है क्योंकि पत्ता बहुत मोटा है, पता नहीं बट बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ऐसा प्लांट्स अभी तक यहाँ पे दिखने को इसलिए मिल रहा है कि लोग बहुत कम आते हैं। जहाँ पे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, भीड़ हो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो जगह ना जो नेचर ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे लोग इतना कम आते हैं, इसलिए थोड़ा नेचर का जो मज़ा वो हमें मिल रहा है यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है। ये बीच पे प्लांट्स, इतना बड़े बड़े प्लांट्स इतना नज़दीक मुझे पहली बार देखने को मिला। और ये एक नहीं, जगह जगह पे ही है। वो दूर भी देखिए, ये देखिए देखा कलर भी कितना सुंदर लग रहा है सनसेट का। हम लोग को यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्री देखने जाना है टर्टल्स के बारे में, मतलब वो। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मिस्टर मोहन उपाध्याय के घर पे। उनके ही इनविटेशन पर सभी होमस्टे में रहने वाले टूरिस्ट आते हैं इधर रिडले टर्टल के बारे में डिटेल में जानने के लिए। ये है मिस्टर मोहन उपाध्याय, जिसका नाम हमने वीडियो में पहले ही बताए। मिस्टर उपाध्याय मैंग्रोव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए रिसर्च असिस्टेंट के पोस्ट में काम करते हैं। इनको गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे सम्मान मिला है, इवन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के तरफ से भी उनको सम्मान मिला है। उनके बिना ये टर्टल फेस्टिवल अधूरा है। इस काम की शुरुआत यहाँ पर की उसका, तो मैं खुद सह्याद्री निसर्ग मित्र का मेंबर हूँ और मैं साथ में मैंग्रोव फाउंडेशन मैंग्रोव सेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम करता हूँ। मिस्टर उपाध्याय ने हम सबको ये भी रिक्वेस्ट किए थे आने वाले नेक्स्ट जेनरेशन को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना चाहते हैं वो, और इसके लिए अगर हम स्कूल्स को अपनी तरफ से कन्विंस कर पाए तो हम सभी उनको जुलाई टू अक्टूबर के बीच में स्कूल्स में निमंत्रण दे सकते हैं टू एडुकेट आवर चाइल्ड अबाउट दिस मिशन। और ये पूरा प्रोग्राम मैंग्रोव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा स्पॉन्सर भी करेंगे। कासवाच्या पिल्लाच पहिलाच प्रयत्न आहे आणि तो उत्तम प्रकारे चालू आहे।
सागरी कासवांच्या संरक्षण कार्यात कार्यकर्ते तयार व्हावे यासाठी सागरी कासवे संरक्षण संवर्धन ही पुस्तिका छापून विनामूल्य वितरित करण्यात आली। मैं भी अपनी बेटी के स्कूल में अप्रोच करने वाली हूँ कि वो लोग भी ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। अभी हम लोगों ने डिनर मंगवा लिया है, एज यूजुअल चिकन थाली आ गया हमारा। तो ये हमारा भाकरी, चिकन के दो डिशेस और व्हाटएवर, और सोल करी, और सोल करी भी आया यहाँ पे, मैंने खाई बट ये लाइक। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सुबह 5 बजे हम फिर से जाएंगे इस उम्मीद से कि कल हमें बेबी टर्टल देखने को मिले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।